सहारनपुर का ये घंटाघर चौक है और इस घंटाघर चौक पर चारों तरफ जो है वो आज खुशी देखी जा सकती है। श्री राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसको लेकर जो युवक हैं वो हाथों में राम ध्वज लेकर यहाँ पर खड़े हुए हैं। जमकर उत्सव ये लोग मना रहे हैं। प्रसाद यहाँ पर जो है वितरण किया जा रहा है। जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं उनको मिठाई देकर उनका मुंह मीठा यहाँ पर जो है वो करवाया जा रहा है। और सुबह से ही जगह जगह लंगर भंडारे और प्रसाद वितरण जो है वो चल रहा है। हर कोई इस वक्त जो है एक अलग ही माहौल में है, भक्तिमय माहौल चारों तरफ बना हुआ है। राममय माहौल जो है वो चारों तरफ यहाँ पर हुआ है और काफ़ी उत्सुक जो है वो आज लोग थे इस दिन के लिए। आज आखिर वो दिन आ ही गया है जिस चीज़ का इनको बड़ी बेसब्री से इंतजार था। प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, अयोध्या में भव्य कार्यक्रम हुआ है। बात कर लेते हैं, एक लंबा संघर्ष, एक लंबा सपना था जो पूरा हो गया, क्या कहेंगे आप इस पर? आज हमारे हिंदू पर्व जो है हिंदुओं के लिए खुशी का माहौल है। आज हम दिवाली मना रहे हैं, दीपावली मना रहे हैं। हमारे सभी साथी जो हैं सुबह से दिवाली की शुभकामनाएं दे रहे हैं और सब हमारे जो विश्वकाम्बोज भाई हैं इन्होंने भी यहाँ दिवाली के रूप में जो है सबको इकट्ठा करके और खुशी से आज दिवाली मनाई जा रही है। ठीक है, ये आज का दिन बड़ी बेसब्री से आप लोग इंतजार कर रहे थे। जी, बहुत बेसब्री से इंतजार था। हम खुश नसीब हैं कि 500 साल बाद हमें ये मौका देखने को मिल रहा है। और जब राम जी 7000 साल पहले, 8000 साल पहले जब आए थे, अयोध्या आए थे, वो चीज़ हमने लोगों ने नहीं देखी। लेकिन हम खुशकिस्मत हैं कि राम जी को मंदिर के अंदर विराजमान होते हुए अपनी आंखों से स्वयं देख रहे हैं, तो इससे बड़ी दीपावली हमारे लिए नहीं हो सकती। यहाँ पर और लोग भी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आज रामलला जी आए हैं हमारे अयोध्या जी में, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हो रहा है। पूरे शहर सहारनपुर के अंदर पूरा क्षेत्र जो है पूरा माहौल अलग ही हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे बात करेंगे। आज आपको उम्मीद थी कि सपना पूरा हो जाएगा जल्दी? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी के होते हैं हमारा सपना पूरा हुआ है और हम लोग बहुत खुश नसीब हैं कि हम ये समय देख रहे हैं, ये टाइम देख रहे हैं। ठीक है, आप क्या कहेंगे? जय श्री राम। मोदी जी योगी जो कर सकते वो कोई नहीं कर सकता, इतना ही कहूँगा। खुशी है इनमें और प्रसाद यहाँ पर ये लोग बांट रहे हैं। सुबह से यहाँ पर लोग जो है जगह जगह भंडारे चल रहे हैं, जगह जगह प्रसाद वितरण कार्यक्रम हो रहा है। इसके अलावा कई जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर सुबह से अब तक लगातार पूजा अर्चना चल रही है, भजन संध्याएं हो रही हैं। तो सहारनपुर ही नहीं बल्कि पूरे देश में आज कुछ इसी तरह का माहौल है। सारा जो देश है वो इस वक्त राम नाम की गूंज से गूंज रहा है, चारों तरफ जय जयकार हो रही है। लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि जिस दिन का बड़ी बेसब्री से वो लोग इंतजार कर रहे थे आखिर वो दिन आज आ ही गया। TV9 UP के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।